नंपाई के अंदर हमने रैंडम का मॉड्यूल देखा था। रैंडम में ही बहुत सारे हमें और डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलते हैं। इसी में से अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है सीबॉर्न मॉड्यूल। रैंडम में ही हमें मिलता है, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि नंपाई के थ्रू हम कैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। सो इसके लिए पहले हमने एक फाइल क्रिएट कर ली है, 11.11.cbornmodule। ठीक है, तो अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा हमारा, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, इसमें हम कुछ और लाइब्रेरीज का यूज करेंगे। जैसा सुना होगा कि ठीक है, हम पाइथन का यूज करके फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं और देख सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में कि कैसे आउटपुट जनरेट होकर आ रहा है। तो अभी तक हमने जो नंपाई में देखा था कि हम रैंडम मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं, रोज जनरेट कर रहे हैं, रो एंड कॉलम दोनों जनरेट कर रहे हैं। इन्हीं सारे कामों में रैंडम का यूज करके जो अभी हम कर रहे थे, इसी में हम क्या करेंगे, अब रैंडम जो हम मैट्रिक्स जनरेट कर रहे थे इसी का यूज करके हम ग्राफ जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, जो सीबॉर्न मॉड्यूल है इसका यूज करेंगे। मॉड्यूल मीन्स एक नई लाइब्रेरी हमको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सीबॉर्न लाइब्रेरी हम यूज करेंगे, इससे फायदा क्या होगा कि हम विजुअल फॉर्म में देख पाएंगे कि कैसे हम एक प्लॉटिंग कर रहे हैं और ग्राफ मिल रहा है कि ठीक है कैसे कैसे पॉइंट्स अप डाउन हो रहे हैं। इसके लिए हमें दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि हम अपना टर्मिनल ओपन करें और टर्मिनल के अंदर यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट में मैं दोनों के दोनों कमांड लिख दे रहा हूँ। इन दोनों कमांड को अगर चाहो, जो हमने पिप पढ़ा था कि पिप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पिप के थ्रू हम किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे पिप का ही, और इसकी मदद से एक्चुअल में हमें दो लाइब्रेरीज चाहिए है। एक तो चाहिए है सीबॉर्न की, और दूसरा सीबॉर्न क्या है, सीबॉर्न हमें डिस्ट्रीब्यूशन के जो मेथड्स होते हैं, जैसे हम जो मैथ में यूज करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बाइनोमियल, पोजिशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेज है जिसको इम्प्लीमेंट करके हम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। इसी के लिए हमें पाइथन में सीबॉर्न नाम की मॉड्यूल मिल रहा है जिसके अंदर पहले से ही वो मैथमेटिकल फॉर्मूला इनबिल्ट है। हमको क्या करना है, उस मेथड का यूज करके फाइनली वैल्यूज पास करनी है। तो ये मैथ का यूज करेगा, ठीक है, सी बॉर्न ये क्या है, यूज मैथ फॉर्मूला। दूसरी चीज है कि हमको वो विजुअल फॉर्म में देखना है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैट प्लॉट लिप। ये क्या करेगा, यूज टू शो विजुअल, यूज टू शो विजुअल ग्राफ। कहीं पर भी पाइथन में अगर तुमको विजुअल ग्राफ देखने की बात आती है तो हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो सीबॉर्न को अगर इंस्टॉल करना है तो इसके लिए हमें क्या कमांड चलाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर कमांड करके लिख दे रहा हूँ सो दैट कि इसको बहुत आसानी से देख कर कमांड को रन कर सको। पहला कमांड है जो हम रन करेंगे वो है पिप इंस्टॉल सीबॉर्न। एज सिंपल एज है, जैसा हमने पहले बात की थी पिप में कि हमको कोई भी नया लाइब्रेरी अगर इंस्टॉल करना है उसका नाम पता होना चाहिए, और उससे जस्ट पहले क्या करना है, पिप इंस्टॉल और उसके बाद में लाइब्रेरी का नाम। जैसा काम हम पिप के लिए करेंगे यही सेम टू सेम काम करेंगे हम मैटप्लॉटलिब के लिए। क्या करेंगे, यहाँ पर होगा मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने का कमांड पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। पहली चीज ये कि अगर इन केस इसको इंस्टॉल करने में टर्मिनल, जो कि हम वीएस कोड एडिटर का यूज कर रहे हैं और इसमें टर्मिनल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, इन केस अगर टर्मिनल में प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आता है, तो क्या कर सकते हो, इसको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके वहां पर भी सेम एज इट इज यही कमांड रन कर सकते हो। तो फाइनली हमको सबसे पहले क्या चाहिए है, पिप इंस्टॉल सीबॉर्न, एंटर। ये क्या करेगा, पिप जाएगा अपनी जो मॉड्यूल्स का पैकेज है जहाँ पर ऑनलाइन सारे के सारे पैकेजेस पड़े हैं, वहाँ से सीबॉर्न को ये फाइंड आउट करेगा, फेच करेगा, सिस्टम में पहले इंस्टॉल डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करने के बाद में बैकएंड में ही ऑटोमेटिक वो इसको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है, सीबॉर्न बैकएंड में इंस्टॉल हो रहा है। तब तक तो हम थोड़ी और बात कर लेते हैं, पाइथन के अंदर मैटप्लॉटलिब से तो पता चल गया है कि हम जो भी विजुअल ग्राफ्स जनरेट करेंगे वो सारा का सारा जनरेट करेंगे हम इसी मैटप्लॉटलिब से। बाकी बात रहती है
नीचे टर्मिनल में दिख रहा होगा कि वो पैकेजेस को डाउनलोड कर रहा है और डाउनलोड करके अभी इसको इंस्टॉल करेगा। तो मैटप्लॉटलिब क्या करेगा, विजुअल फॉर्म देगा। और सीबॉर्न हो गया, अभी आगे चल के हम अलग अलग कई सारे सीबॉर्न्स के ही मेथड्स का यूज करेंगे, किस लिए, अलग अलग तरीके के फॉर्मूलेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो दैट कि हमें अलग अलग तरीके के रिजल्ट अगर चाहिए हैं तो वो हमें मिलते रहें। तो ये दोनों चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं कि हमको फाइनली सीबॉर्न चाहिए है एंड मैटप्लॉटलिब चाहिए है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, पहले तो ये डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड होने के बाद में दूसरा काम हमारा है मैटप्लॉटलिब को हम अभी इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारी दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मान लो ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है जब तक, तब तक हम अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या इंपोर्ट कर लेते हैं, मैटप्लॉटलिब को। अभी इसको हमें इंस्टॉल करना बचा हुआ है, अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे, बट उससे पहले ये हम आगे कोड लिख रहे हैं, सो दैट कि ये बैकग्राउंड में अपना इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद में फाइनली हम अपना कोड भी शो कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज है हमको क्या इंपोर्ट करना है, मैटप्लॉटलिब का। मैटप्लॉटलिब को हम शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं, एम ले लेते हैं, ठीक है, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लेना चाहें तो एम टी ले लेते हैं या एम पी ले लेते हैं, मैटप्लॉट और लिब एम पी एल। वैसे जनरली इसको लिया जाता है पी एल टी प्लॉट करने के लिए, तो हम इसको प्लॉट ही ले लेते हैं क्योंकि इससे हैबिचुअल हूँ, मैं भी काफ़ी समय से यूज कर रहा हूँ तो PLT लिखने की आदत पड़ गई है। हमने मैटप्लॉटलिब ले लिया है, अभी ये लाइब्रेरी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए VS एडिटर क्या कर रहा है, नीचे येलो कलर का अंडरलाइन दे रहा है कि ये लाइब्रेरी जो आप यूज कर रहे हो ये अभी आपको सिस्टम पे एग्जिस्ट नहीं करती है, मिल नहीं रही है। ठीक है, अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। दूसरी लाइब्रेरी जो हमें इंस्टॉल करनी है वो कौन सी है, मीन्स इम्पोर्ट करनी है, वो है सीबॉर्न। सो हम इम्पोर्ट कर लेते हैं सीबॉर्न को, इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं सीबॉर्न SB। ठीक है, दोनों लाइब्रेरी जब हमें मिल जाएगी तो हमें सिंपली क्या करना है, हमारे पास अभी हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एरे पढ़े हैं, अलग अलग तरीके के एरे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन एरे। पहले हमने मैनुअल एरे दिए, फिर हमने रैंडम का यूज किया और फिर हमने रैंडम नंबर से क्या कहते हैं एरे जनरेट किए। हमने फ्लोट नंबर के भी एरे जनरेट किए और हमने इंटीजर नंबर के भी एरे जनरेट किए। सीबॉर्न लाइब्रेरी जो अभी बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो रहा है टर्मिनल में, ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें से हम छोटा सा हिस्सा जो है वो देख रहे हैं, बहुत तरीके से यूज होता है, लेकिन हम नम पाए में बस ये देख रहे हैं कि कैसे नम पाए में हमें अलग अलग तरीके के मेथड्स मिलते हैं, मॉड्यूल्स मिलते हैं जिनका यूज करके हम अलग अलग तरीके के वर्क परफॉर्म करते हैं और फाइनली यही सारे के सारे वर्क्स जो हैं मशीन लर्निंग में भी यूज होते हैं। क्योंकि एक्चुअल में हम जो है मैथ के ही फॉर्मूलोज का यूज करते हैं किसी भी तरीके के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, और मशीन लर्निंग या डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट के लिए यूज होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए तो फेसबुक पे एनालिटिक्स दिखता है हमें कि ठीक है आपको कितने, क्या कहते हैं, जैसे कोई भी पोस्ट अगर तुमने लिखा है और उस पोस्ट को जाकर देखते हो कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों को ये अपीयर हुआ, उसका एक ग्राफ जनरेट होता है। ये सारा का सारा काम जो है इसी तरीके के मेथड्स से होता है। एक्चुअल में यही जो हम अभी सीबॉर्न के मॉड्यूल्स पढ़ेंगे इन्हीं का यूज होता है, लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में हमारी सीबॉर्न इंस्टॉल हो रही है, तब तक हम एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं। किस लिए लिख रहे हैं, बस हम सीबॉर्न का यूज करके एक एरे देंगे और उस एरे को सिंपली हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब से शो कराएंगे और देखेंगे कि कैसे हमें उसका एक ग्राफ मिल रहा है। तो सीबॉर्न एरे क्या करना है, हमें एरे लेना है, दैट मीन्स कि हमने SB नाम से इसको दे रखा है सीबॉर्न की लाइब्रेरी को, तो SB डॉट, इसी में हमें एक क्या मिलेगा, मेथड मिलेगा जिसका नाम है डिस्ट प्लॉट। तो डिस्ट प्लॉट एक्चुअल में क्या करेगा, हम इसके अंदर जो भी नंबर ऑफ एरे देंगे उस पोजीशन पे ये डिफाइन कर देगा कि जो ग्राफ बनाना है वो इसी इसी पॉइंट से होते हुए बनाना है।
मान लो हमने 0, 1, 2, 3, 4 और 5 दे दिया। फाइनली ये हमने क्या यूज किया, सीबॉर्न की लाइब्रेरी का, सीबॉर्न की लाइब्रेरी का यूज किया और उसके एक मेथड डिस्क प्लॉट का यूज करके हमने एक एरे डिफाइन कर दिया है कि इतने नंबर है जिसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। और इसको थोड़ा और अच्छे से अगर रिलेट किया जाए तो याद होगा जब मैथ हम पढ़ते थे 10th 12th में 8th में तो वहाँ पे हमको एक चार्ट मिलता है ग्राफ का छोटा सा, जिसके अंदर हम छोटे छोटे पॉइंट्स बना के इसके बाद में ग्राफ बनाते हैं स्केल से। कुछ हम लीनियर फॉर्म में बनाते हैं, लकीरें खींचते हैं, और कुछ क्या होता है हम क्या कहते हैं बॉक्स के फॉर्म में बनाते हैं। इस तरीके के जो काम होते हैं वही काम हम यहाँ पर करेंगे मैट प्लॉट से। सो फाइनली फॉर शोइंग द पॉइंट्स ऑन ग्राफ यूज मैटप्लॉट। मैटप्लॉटलिब में हमको एक सिंपल छोटा सा मेथड मिलता है सो का, जो क्या करेगा, जो कुछ भी इसके ऊपर यहाँ पर आपने डिफाइन किया हुआ है ये यहाँ से क्या करेगा, फेच कर लेगा उतने सारे के सारे पॉइंट्स और बहुत आसानी से उसको सो करा देगा। तो हमने अपने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को शॉर्ट फॉर्म दिया है PLT, और PLT में हमको मैथड क्या मिलेगा, सो। इतना करने के बाद में इस कोड को हम जैसे ही रन करेंगे एक अलग से पॉपअप होके विंडो हमें मिल जाएगा जिसमें कि ये ग्राफ बनके मिल जाएगा। हमारी सीबॉर्न की लाइब्रेरी जो है ये थोड़ी लंबी लाइब्रेरी है, 28 MB की है, इसीलिए इसको टाइम लग रहा है लोड करने में, क्योंकि बैकेंड में ये क्या कर रहा है, बहुत सारी लाइब्रेरियाँ और इसकी डिपेंडेंट लाइब्रेरियाँ डाउनलोड करता है। तुम अगर ध्यान दोगे सीबॉर्न को जब हमने इंस्टॉल किया था सीबॉर्न के साथ में ही सेकेंड में क्या कर रहा है, मैटप्लॉटलिब को ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर रहा है हमको। दैट मीन्स कि मैटप्लॉट के लिए ये कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम चलाएंगे तो वो क्या करेगा, फेच करके लाके हमें ये दे देगा कि जो आप इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो वो रिक्वेस्ट पहले से ही यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो सीबॉर्न एक बहुत बड़ी बहुत ही वास्ट लाइब्रेरी है, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा यूज कर रहे हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो सीबॉर्न को इंस्टॉल करने के साथ में इसको मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसने मैटप्लॉटलिब को यहाँ पर पहले से ही कलेक्ट करके इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। और हर एक लाइब्रेरी का तुम पैकेज का वो देख रहे होगे। इसी के साथ में थर्ड जो लाइब्रेरी ये इंस्टॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, साइपाई। तो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुम अपनी तरफ से जाके थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो कि पाइथन में मैटप्लॉटलिब क्या है, व्हाट इज मैटप्लॉटलिब इन पाइथन, या दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज साइपाई। ये बहुत ही फेमस लाइब्रेरीज हैं और इनके बारे में अगर अभी से जानते हो तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। व्हाट इज मैटप्लॉटलिब, मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं इन पाइथन। वैसे पाइथन से इसका लेना देना नहीं है, सिंपली मैटप्लॉटलिब अगर लिखते हो व्हाट इज मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी तो तुमको बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर मिल जाएंगे। इसी तरीके से व्हाट इज साइपाई लाइब्रेरी, सो व्हाट इज साइपाई लाइब्रेरी इन पाइथन, ये क्या करेगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा एटलीस्ट कि ठीक है ये क्या क्या वर्क कर रहा है, साइपाई का क्या काम है और मैटप्लॉटलिब का क्या काम है। उसी तरीके से सीबॉर्न के बारे में भी थोड़ा सा खुद से भी पढ़ सकते हो कि व्हाट इज सीबॉर्न लाइब्रेरी इन पाइथन। हम बहुत छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, इस पे बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी लाइब्रेरियाँ एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरियाँ हैं जो कि काम करती हैं बैकएंड में, लेकिन हम यहाँ पर बस उतनों की ही बात कर रहे हैं जितने की रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते जाओगे तो पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरियाँ हैं। डेली अगर थोड़ा न्यूज़ से अपडेट रहो तो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अदर कंपनीज हैं, टाइमली कुछ ना कुछ नए अपडेट्स और नई लाइब्रेरियाँ इंट्रोड्यूस करती रहती हैं। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं जो कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा अभी एक बिगनिंग है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हम छोटी चीज़ें ही देखेंगे। एक बार तुमको समझ में आना चालू हो जाएगा तो तुम इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज को बहुत आसानी से चेक कर सकते हो और यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एक बार फाइनली इंस्टॉल हो जाए हमारी लाइब्रेरी, सो दैट हम इस कोड को फाइनली रन करके ये देखेंगे कि इसका रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है। लाइब्रेरीज में पांडा लाइब्रेरी बिल्कुल है, इसके अलावा और भी कई सारी लाइब्रेरीज मिलती हैं, OpenCV भी एक लाइब्रेरी है, पांडा लाइब्रेरी जो है, ये लाइब्रेरी हमें क्यों मिलती है, पांडा लाइब्रेरी जो मिलती है ये डेटा साइंस के वर्क को परफॉर्म करने के लिए मिलता है।
पांडा लाइब्रेरी को अगर पढ़ोगे तो पांडा लाइब्रेरी एक्चुअल में जो हम एक्सेल यूज करते हैं या हम उसको एक्सेल कह लो या एक्सेल में एक फॉर्मेट होता है सीएसवी फॉर्मेट, डॉट सीएसवी फॉर्मेट, ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है सिंपली। इस तरीके की एक्सेल फाइल को यूज करके उनके सेल्स के डेटास को फेच करके और उसमें नए डेटास को रिप्लेस करना, ऐसा सारा काम करता है पांडा लाइब्रेरी। बहुत आसानी से एक बहुत बड़ी एक्सेल सीट की डिटेल्स को वो फेच कर लेता है, हर एक सेल की डिटेल्स को फेच कर सकता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पांडा को। क्योंकि अगर हम डेटा की बात करें, डेटा साइंस के अंदर टोटली बात होती है डेटा की, और डेटा बहुत तरीके का होता है। तो लाइब्रेरी जब तक हमारी इंस्टॉल हो रही है तब तक हम इसकी बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में डेटा साइंस में क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो हमको टेक्स्ट डेटा मिलता है, टेक्स्ट के अलावा इमेज फॉर्मेट का डेटा अलग होता है। अब टेक्स्ट में भी अगर बात की जाए तो टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट में बहुत तरीके का टेक्स्ट मिलता है। हो सकता है कि हमें कोई एक टेक्स्ट फाइल मिल जाए, मीन्स टेक्स्ट फाइल मिल जाए, या कोई हमें सीएसवी फाइल मिल जाए, या हो सकता है हमें पीडीएफ में फाइल मिले, व्हाटएवर, जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल है वो टेक्स्ट में आती है। इसी तरीके से इमेज में डेटा अलग होता है, इसी तरीके से वीडियो डेटा अलग होता है। इसका सिंपल सा अगर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ तो तुम में से ज़्यादातर लोग गूगल फोटोज़ का यूज करते हो। गूगल फोटोज़ पे अब जो इस समय इसका अपडेट आया हुआ है फाइनली, अगर इसको जब ये स्टार्ट हुआ था गूगल फोटोज़, तब से अगर इसको ध्यान दिए हो, रिव्यू किए हो, पहले बहुत ही लिमिटेड फीचर्स थे, लेकिन आज इसके फीचर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, तुमने 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 चाहे जितनी फोटोज़ रखी है, तुम सिंपली अगर फिल्टर मारते हो, ऊपर सर्च में लिख देते हो दिल्ली, दिल्ली लोकेशन पे खींची गई सारी फोटोएं जितनी भी होगी वो ऑटोमेटिक फेच करके लाके तुम्हें दिखा देता है विद इन सेकेंड। इसी तरीके से अगर तुमने लिख दिया डॉग फोटो, जितनी भी फोटोएं तुमने खींची होंगी 1,000, 50,000, 1,00,000, उसमें से जहां जहां जिस जिस फोटो में डॉग दिख रहा होगा उन सारी फोटोज को वो फिल्टर करके लाकर तुम्हें दे देगा। या फिर फोटोज, गूगल फोटोज के अंदर एक फैसिलिटी मिलती है कि तुम अपने जानने वालों के नाम को सेव कर सकते हो फोटो पे, कि मान लो कि कोई तुम्हारा दोस्त है उसका नाम तुमने सेव कर दिया कि अच्छा ये हरी है, अब उससे रिलेटेड, हरी से रिलेटेड जितनी फोटोएं थी, अब तुम सर्च में जाके जैसे ही लिखोगे हरी, हरी का फेस जहां जहां अपियर हो रहा होगा वो सारी फोटो का कलेक्शन वो लाकर तुम्हें दे देगा। एटलीस्ट तुम डॉक्यूमेंट अगर लिख देते हो तो डॉक्यूमेंट टाइप की जितनी भी फोटो होंगी जहां पे कुछ डॉक्यूमेंट टाइप का होगा वो सब लाकर वो दे देगा। तुमने अगर कोई एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की फोटो भी खींच के रखी होगी, तुम सीधे लिखोगे कार्ड, कार्ड से मिलती जुलती जितनी फोटो होंगी वो लाकर तुम्हें दे देगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि गूगल फोटोज कितने बड़े लेवल पे इसका यूज कर रहा है। इसी तरीके से लाइब्रेरी अभी भी हमारा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में, तब तक थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसी पे, कि तुमने नोटिस किया होगा कि गूगल असिस्टेंट क्या है, गूगल पहले इसके लिए किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट या एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं करता था कहीं पर भी, लेकिन इसने क्या किया, कुछ दिनों से गूगल ने, कुछ सालों से पिछले, इसका एडवर्टीजमेंट करना चालू किया। क्यों? क्योंकि गूगल को अलग अलग एजेंट, अलग अलग तरीके से लोग किस किस तरीके से क्वेरी पूछ सकते हैं, उन सारे तरीकों को वो उसको चाहिए था, उसको वो कलेक्ट करना चाहता था, और कलेक्ट करके गूगल असिस्टेंट को और ज़्यादा बेस्ट बनाना चाहता था। अगर पहले के गूगल असिस्टेंट को थोड़ा सा ध्यान दो तो उस समय वो क्या करता था, आपको बहुत साफ और क्लियर वॉइस में बोलना पड़ता था ओके गूगल, फिर बीच में ये लेकर आए थे हे गूगल, फिर इन्होंने हे गूगल को ख़त्म कर दिया और फाइनली आपको बोलना रहता है केवल ओके गूगल। लेकिन उस समय आज से 3 साल 4 साल पहले आपको बहुत क्लियर बोलना पड़ता था ओके गूगल। लेकिन अगर आज छोटा सा बच्चा भी टूटी फूटी लैंग्वेज में बोल दे ओके गूगल, वो कैप्चर कर देता है। क्यों? एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट होता है मशीन लर्निंग का या डीप मशीन लर्निंग का। सो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग यही कॉन्सेप्ट है कि आप कितना, यानी कि टूटी फूटी लैंग्वेज में भी बोल रहे हो उसको कैप्चर करके वो लिख रहा है। इसका और एक आसान सा क्या कहते हैं एग्जाम्पल देता चलता हूँ, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी तो इंस्टॉल हो ही चुकी है। नोटिस किया होगा कि गूगल की कीबोर्ड है, और गूगल के कीबोर्ड को देख के बहुत लोगों ने दिया है फैसिलिटी कि आप अगर एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, आईओएस यूज कर रहे हो, कुछ भी, वहाँ पर कीबोर्ड में एक आइकन मिलता है वॉइस का, उसको टाइप करके आप बोल बोल के लिख सकते हो, किसी भी भाषा में लिख सकते हो।
पहले अगर हिंदी लैंग्वेज में लिखना होता था तो बहुत साफ साफ बोलना पड़ता था, तब वो लिखता था। लेकिन आज एक सांस में धड़ाधड़ बोलते चले जाओ और नेट की स्पीड अगर अच्छी है तो इतनी तेजी से लिखता जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इतनी तेजी से कैसे लिख रहा है। ये सारी चीज़ें जो इम्प्रूव हुई हैं, इसमें यही सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट मीन्स कि टूटा फूटा वर्ड अगर मिला है, जैसे हमको होता है ना, कहा जाता है कि इशारों में बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोला और हम उसका मतलब समझ गए ऑटोमेटिक, इसी तरीके की चीज़ें एक्चुअल में प्रिडिक्शन दिया जाता है कि अगर कोई यूज़र कुछ बोल रहा है तो मुझे अगर बहुत थोड़ा सा हिस्सा उसका समझ में आया तो मैं उससे एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करके वो लिख दूँ। यही सारा काम क्या कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय कर रहा है। ठीक है, फाइनली हमारा जो सीबॉर्न का पैकेज था, यहाँ पे नोटिस करोगे कि इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेज, इसने क्या किया है, इतनी सारी लाइब्रेरीज जो हैं ये सारी की सारी लाइब्रेरी इसने डाउनलोड की है, जिसमें कीवी सॉल्वर है, पाई पार्सिंग है, पाइथन डेट्यूलेट है, पिलो है, पिलो का यूज किया जाता है इमेज प्रोसेसिंग के लिए, इसके बाद में साइक्लर है, मैटप्लॉटलिब है, साईपाई है और पांडास भी है और सीबॉर्न भी है। इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने में एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कम है तो इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने पे सिस्टम स्लो हो सकता है, वीएस जो वीएस एडिटर है ये भी स्लो हो सकता है, क्योंकि ये फाइलें, ये लाइब्रेरीज बहुत डीप लेवल में होती हैं, कभी कभी फिल्टर करने में टाइम ले सकती हैं। तो अभी तो इसने क्या किया है, इंस्टॉल कर लिया है और इंस्टॉल करने के साथ कलेक्ट कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है सभी को, ये फाइनली इसको इंस्टॉलिंग कर रहा है। ठीक है, इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेजेस, तो इन सभी को ये फाइनल इंस्टॉल करने के बाद में हमें ये फाइनल आउटपुट देगा, सो दैट कि हम अपना ये कोड रन कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसी तरीके की जो हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि नमपाई जो है, नमपाई का यूज अभी तो छोटा लग रहा होगा क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है, नमपाई ही हर एक जगह यूज हो रहा है, इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लो। चाहे तुम आगे चल के बात करते हो कि मुझे मशीन लर्निंग में पढ़नी है, या बात करते हो कि तुमको आगे चल के डेटा साइंस पढ़ना है या डेटा साइंस में जाना है, या तुम्हें डीप मशीन लर्निंग पढ़नी है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, जितने भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्चुअल में ये कोई अजूबा कॉन्सेप्ट नहीं है। इन सभी कॉन्सेप्ट में टोटली मैथमेटिक्स लगता है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं, फॉर्मूलेज लगते हैं, पूरे के पूरे सारे फॉर्मूले हैं, और ये सारा का सारा जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट है प्रिडिक्शन का, कितना बेस्ट प्रिडिक्शन आप करते हो। और इन सभी चीज़ों के लिए, आप मशीन लर्निंग बोलो, डेटा साइंस बोलो, डीप मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी के लिए पहले तो चाहिए होता है डेटा। विदाउट डेटा ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूजलेस हैं, क्योंकि अभी हम आगे चल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, ये सारा का सारा क्या है, मीन मीडियन मोड होता है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं एक्चुअल में, जब हमारे पास कोई डेटा होता है तभी हम फाइंड आउट करते हैं। और अगर फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात करें, जिसके लिए कहा जाता है कि हम एक कंपनी है जिसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो फ्यूचर को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जितना ज़्यादा पास्ट का डेटा दोगे, उस पास्ट के डेटा को एनालाइज करके, यूज करके, उससे बेस्ट जो आगे का सिनेरियो जनरेट हो सकता है वही वो प्रिडिक्ट करके हमको दे देता है। दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा हमारे पास प्रीवियस डेटा होगा उतना अच्छा हमारा प्रिडिक्शन होगा। जैसे कि तुमने देखा होगा कि क्या कहते हैं ये, जैसे विभाग होता है इसका, क्या कहते हैं, वेदर का, कि वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, बताते हैं कब बारिश होगी, कैसी बारिश होगी, या भूकंप आने का, सुनामी आने का टाइम। तो ये क्या करते हैं, कलेक्शन लेते हैं कि पिछले 100 साल 200 सालों में किन किन महीनों में, किन किन दिनों में, कैसे, कितनी ज़्यादा स्तर पे बारिश हुई या कितने फ्रिक्वेंटली भूकंप आए, वो सारे डेटा कलेक्शन के बाद में ही ये प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, इसका रेशियो जो है 100 साल पहले जो भूकंप आता था उसका रेडियस 2 होता था, 100 साल के बाद में 4 हो गया है, 10 महीने के बीच में जो भूकंप आए हैं उनमें रेडियस नोट किया गया है 4। इसी सारी चीज़ों से प्रिडिक्शन किया जाता है। या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका ग्रोथ रेट देखना है, जैसे पढ़ते होगे कि ठीक है एक कंपनी है, इसका क्वार्टरली जो इनकम रहा है वो इतना रहा है, सेकंड क्वार्टर इतना रहा है, दैट मीन्स कि एक साल में 4 क्वार्टर बनाए जाते हैं, 3-3 के स्लॉट के। तो ये जो क्वार्टर का बनाया जाता है उसमें यही होता है कि पिछले कंपनी 20 साल पुरानी है तो 20 साल का
जो उसका एक रिकॉर्ड रहा होगा आगे बढ़ने का, उस पूरे रिकॉर्ड को लेके ये ग्राफ जनरेट किया जाता है कि ठीक है आने वाले समय में कंपनी जो है अभी अगर 50% ग्रोथ पे है तो आने वाले 4 सालों में कंपनी जो है वो 80% ग्रोथ पे जा सकती है, बिकॉज ऑफ इसका पीछे का जो हमने डेटा एनालिसिस किया है उसके बिहाफ पे हम ये बता सकते हैं कि कंपनी आने वाले 4 सालों में 80% का प्रॉफिट कर सकती है। ये सारी चीज़ों का प्रिडिक्शन के लिए ही हम इन सारे टेक्निक्स का यूज करते हैं, मशीन लर्निंग का, डेटा साइंस का और डीप मशीन लर्निंग का। ठीक है, फाइनली हमारी लाइब्रेरी बात करते करते कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है, सारी लाइब्रेरियाँ इंस्टॉल हो चुकी हैं। फाइनली अब अगर हम इसको यूज करेंगे मैटप्लॉटलिब पे तो हमको कोई भी एरर नहीं मिल रहा है, लेकिन सीबॉर्न पे मिल रहा था और सीबॉर्न भी फाइनली हमारा ले चुका है। सो अब हमें क्या करना है, फाइनली हम एक बार इसको रन करते हैं। रन करने के साथ में हमने सीबॉर्न में डिस्ट प्लॉट लिया था, उसमें एक छोटी सी एरे हमने डिफाइन किया था और मैटप्लॉटलिब के मेथड सो का यूज किया है हमने ताकि हम इसका आउटपुट देख सके। तो फाइनली ये पेज रन होने के बाद में, ये कोड रन होने के बाद में हमें एक ग्राफिकल आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, ये जो ग्राफिकल आउटपुट अभी ये रन कर रहा है, कोड को रन करने में कभी कभी ये टाइम लेता है, जैसे कि इस समय ये ले रहा है, हो सकता है कि ये 20 से 30 सेकंड कभी कभी ले ले। सो यहाँ पर जैसे देख रहे होगे नीचे क्या है, मैटप्लॉटलिब इज बिल्डिंग द फॉन्ट कैचे, दिस मे टेक अ मोमेंट, क्योंकि अभी मैंने इसको पहली बार अपने इस सिस्टम में इंस्टॉल किया है। सो इंस्टॉल होने के बाद में ये पहले जितनी भी डिपेंडेंट फाइलें हैं उनको पहले ये सेटअप करेगा, उसके बाद में हमको ये रन करेगा। जैसे सिंपली हम कोई भी नया सिस्टम होता है उसको फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत सारे डिपेंडेंट फाइलें उसको लेता है। ओके, हमें यहाँ पर एरर मिला है, एट्रीब्यूट एरर, मॉड्यूल मैटप्लॉटलिब हैज नो एट्रीब्यूट सो। ओके ठीक है, सो मैटप्लॉटलिब सही है, पीएलटी करके हमने इसको लिया हुआ है, ठीक है, एंड पीएलटी डॉट हमने सो लिया हुआ है, ये भी ठीक है। ठीक है, एक बार हम फिर से रन करते हैं क्योंकि मेथड सही है हमारा एंड जो हमने सी बॉम लिया है वो भी सही है। तो एक बार हम फिर से रन करके देखते हैं कि हमको क्या आउटपुट मिल रहा है। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है ये। मैटप्लॉटलिब का जो ये सो मेथड है, हम किसी भी तरीके के ग्राफ को देखना चाहते हैं, कुछ भी आप रन करोगे, एट द लास्ट ये सो मेथड ही यूज करना पड़ता है हमें देखने के लिए। ओके, एक्चुअल में गलती क्या हो रही है, गलती ये हुई है कि मैटप्लॉटलिब जो है इसमें से हमको केवल और केवल फेच करना था पाई प्लॉट को, और पाई प्लॉट को यहाँ पे मैं फेच करना भूल गया, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। सो फाइनली क्या करना है, मैटप्लॉटलिब में ही हमको एक मॉड्यूल मिलता है पाई प्लॉट, तो क्या किया, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इम्पोर्ट पाई प्लॉट एस पी एल टी, दोनों ही तरीका ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक नया तरीका मिल गया। ठीक है, फाइनली अब हमें क्या करना है, एक बार हम अपने कोड को फिर से रन करते हैं, बिकॉज मैटप्लॉटलिब जो है इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारा वर्क होता है, लेकिन मैटप्लॉटलिब में से जो पाई प्लॉट है यही फैसिलिटी देता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके हमको आउटपुट दे सके, इसलिए मैटप्लॉटलिब में से हमें पाई प्लॉट को इम्पोर्ट करना होता है। फाइनली ये जो हमें रिजल्ट मिला है ये इसी पाई प्लॉट जो हमारी लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब की उसी की वजह से ये मिल गया। यहाँ पे क्या ध्यान दोगे कि हमने क्या कहा था, जो एस बी डॉट डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट प्लॉट हमने बनाया था उसमें हमने नंबर दिया था 0 से 5 का, और यहाँ पे अगर ध्यान दोगे 0 से लेके 5 के बीच में क्या हुआ है, एक हिस्टोग्राम जनरेट हुआ है। ठीक है, यही है हिस्टोग्राम और ये एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन है। अगर चाहते हो कि जो ये हिस्टोग्राम जनरेट हो रहा है ये ना जनरेट हो, तो हिस्टोग्राम जो हमारा ये सीबॉर्न है, ये सीबॉर्न एक मेथड ही है, हमने इसको कॉल किया था और इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास किया था और आर्गुमेंट क्या था, एक नॉर्मल सा एरे। इसी में हम दूसरा एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जो कि क्या है, हम हिस्टोग्राम बता सकते हैं कि वो हिस्टोग्राम जनरेट करना है कि नहीं,
तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है, हिस्ट इक्वल टू, और इसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, फॉल्स या ट्रू। तो हमें अगर हिस्टोग्राम नहीं चाहिए तो हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। एंड देन एक बार इसको फिर से अगर हम रन करें, क्या पाएंगे कि जो हिस्टोग्राम जनरेट हो रहा था अब वो हिस्टोग्राम जनरेट नहीं होगा। सो ये जनरेट करके हमको देगा, कभी कभी ये टाइम लेता है, 10 से 12 सेकंड ले सकता है, डिपेंड करता है सिस्टम की स्पीड पे भी। फाइनली जो हमें ये रिजल्ट मिला है इसमें से वो हिस्टोग्राम जा चुका, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्ट प्लॉट जो हमारा मॉड्यूल था उसमें हमने हिस्ट इक्वल टू फॉल्स कर दिया। सो एक सिंपल सा तरीका है कि हम सी बॉन का यूज करके एक रैंडम सा एरे दिया और हमने मैट प्लॉट लिप के पाई प्लॉट मॉड्यूल का यूज करके क्या किया, सिंपली सो मॉड्यूल का यूज करके आउटपुट हमने ग्राफिकल फॉर्म में देख लिया। अब जो ये हमें एक विंडो मिलता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको जूम भी कर सकते हैं। जूम करने के साथ में हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं नॉर्मली जिस फॉर्मेट में चाहें, ठीक है, या यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फिगर कर सकते हैं इसकी प्लॉटिंग को। तो कई सारा काम है जो हम यहाँ से कर सकते हैं, दिख रहा है, लेफ्ट बॉटम राइट टॉप डब्ल्यू एस स्पेस और एच स्पेस, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, दिख रहा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं और ये कौन कर रहा है, ये ध्यान रखना है, ये कर रहा है जो हमारे प्लॉट डॉट सो मॉड्यूल है, ठीक है, जो मेथड हमने यहाँ पर कॉल किया था ये, ठीक है, यही कर रहा है। सो फाइनली हम इसको कट करते हैं और हमने सिंपली अभी क्या देखा, सीबॉन मॉड्यूल देखा, सीबॉन लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की जिसके साथ में हमें कई सारी डिपेंडेंट लाइब्रेरियाँ भी मिल गई हैं, और हमने सिंपली मैटप्लॉटलिब के पाइप्लॉट का यूज करके शो कराया है। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे हम, इसके बाद में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बाइनोमियल, पोजिशनल, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे।